सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला सुनाया वो कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, कहा कि जिस तरह से ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान की बात थी वो नहीं हो। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद ये जो ईवीएम पर सवाल उठता है वो उठता रहेगा? जब तक राहुल गांधी जी राजनीति में है वो उठाते रहेंगे। अच्छा, क्यों आप ऐसा कहें? वो इसलिए उठाते हैं कि उनको हारने का और कोई आत्मचिंतन करने का स्वभाव नहीं है उनका। क्यों हारते हैं वो सोचते नहीं है, ईवीएम पर ठोक देंगे, अपने साथियों पर ठोक देंगे। हारने का मूल कारण क्या है वो ढूंढेंगे तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो ढूंढते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी तेलंगाना में उनकी सरकार इसी ईवीएम से चुनकर आ गई, राहुल गांधी नए कपड़े पहनकर शपथ में पहुंच गए। तो ईवीएम सही है या झूठ है भाई? चेन्नई में आपके साथी की कब सरकार चुनी, सोनिया जी भी पहुंच गई वहां पर शपथ में, तो ईवीएम सही है या झूठ है? बंगाल में ममता दीदी जीती, ईवीएम सही है या झूठ है? हिमाचल में आप जीते, ईवीएम सही है या झूठ है? जब जीत जाते हो तब तो टप से शपथ ले लेते हो, हार जाते हो तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हो। या तो कहना चाहिए ईवीएम का चुनाव है, हम जीतेंगे तो भी शपथ नहीं लेंगे, हमारा सत्याग्रह है, नहीं लेना चाहिए उनको।